जनवरी महीने से मई महीने तक गुम हुए 30 मोबाइल को सीताबड़ी पुलिस की ओर से सोमवार को उनके मालिकों को लौटाया गया। इस संदर्भ में सहायक पुलिस निरीक्षक ईश्वर शेरके ने अधिक जानकारी साझा की। साइबर सेल की सहायता से और पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पुलिस उपायुक्त विनीता शाहू, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनीस के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए सीताबड़ी पुलिस ने सोमवार को जनवरी से मई महीने तक मिसिंग हुए 30 मोबाइल को उनके मालिकों को लौटाया। इस संबंध में सहायक पुलिस निरीक्षक ईश्वर शेखे और फिरियादी जिन्हें उनका मोबाइल प्राप्त हुआ, इन्होंने अधिक जानकारी साझा की। मेरा 28 जनवरी को मोबाइल गुमा था और मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा था, वहाँ से मोबाइल मेरे जेब से गिर गया। वापस आके देखा तो उसका लास्ट लोकेशन वहीं दिखा रहा था, पर वो चोरी हो गया था। पर जैसे ही मैंने कंप्लेंट लॉन्च किया था, मैंने तो अपने होप छोड़ दिए थे कि मेरा फ़ोन नहीं मिलेगा करके, बट इट्स अ गुड जेस्चर फ्रॉम सीताबड़ी पुलिस। सिविलाइज्ड जो लोग हैं, सिविलाइज जो है नागपुर के लोग, वो अभी फ़ोन रिट्रीव करेंगे, ये इनके लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि वो रिट्रीव करके फ़ोन दे रहे हैं। दिनांक 1 जानेवारी 2021 ते 31 मे 2021 या दरम्यान पोस्टेला दाखल असलेल्या मोबाईल मिसिंगपैकी 29 मोबाईल आम्ही प्राप्त करून ज्यांच्या मूळ मालकीचे मोबाईल आहेत त्यांना आम्ही आज रोजी परत करीत आहोत। माननीय पोलीस आयुक्त श्री अमितेश कुमार साहेब, DCP श्री साहू मॅडम, श्रीमती साहू मॅडम आणि वपोनी श्री सबनीस सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आमच्याकडे जे एक सायबरमधून आलेले तंत्रज्ञ प्रशांत भोयर आहेत, त्यांच्या तांत्रिक ज्ञानाच्या मदतीने सदरचे मोबाईल शोधले आणि शोधून आज रोजी आम्ही त्यांच्या मूळ मालकाला परत केले। 30 मोबाईल आहेत, जवळपास प्रत्येक मोबाईल 5,000 जरी पकडले तरी जवळपास 1.5 लाखाचे मोबाईल आहेत। पुलिस द्वारा इस दौरान 30 मोबाइल जिनकी कुल कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए उन्हें उनके मालिकों को सौंपी गई। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।